दोस्तों, हम जितना देंगे ना उतना ही पाएंगे, ये बात सोलह ने 100% 100% शत प्रतिशत सच है। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान हमेशा एक मिठाई की दुकान वाले को 1 किलो मक्खन बेचा करता था। किसान हमेशा सुबह के समय मिठाई की दुकान वाले के पास आता और 1 किलो मक्खन दे जाता। एक बार मिठाई वाले ने सोचा कि वो हमेशा उस पर भरोसा करके मक्खन ले लेता है, क्यों ना आज मक्खन को तोला जाए, इससे उसको पता चल सके कि उसे पूरा मक्खन मिल रहा है या नहीं। जब मिठाई वाले ने मक्खन तोला तो मक्खन का वजन कुछ कम निकला। उसे किसान पे बहुत गुस्सा आया और किसान पर उसने केस कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया। किसान को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस किसान से प्रश्न करना शुरू किया। जज ने पूछा कि वो मक्खन को तोलने के लिए बाट का प्रयोग करता है क्या। दोस्तों, आप जानते हैं ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ चुकी हैं, जहां वजन जो है डायरेक्टली डिजिटली देख लिया जाता है, लेकिन अभी भी काफी जगह बाट का प्रयोग होता है, जिसमें 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसा लिखा रहता है, 100 ग्राम 50 ग्राम। तो किसान ने जवाब दिया, मेरे पास तोलने के लिए बाट तो नहीं है, फिर भी मक्खन तोल लेता हूं। जज हैरानी से पूछता है कि बिना बाट के तुम मक्खन तोलते कैसे हो। इसका जवाब किसान देता है कि वो रोज इस मिठाई वाले से 1 किलो ब्रेड का पैकेट खरीदता है और उस पैकेट के वजन के बराबर ही मक्खन तौल कर दे आता हूं। किसान का जवाब सुनकर मिठाई वाला हक्का बक्का रह गया। उसको समझ में आ चुका था कि मैं भी उसको 1 किलो का पैकेट नहीं दे रहा था और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, इस मिठाई वाले की तरह ही हम भी जीवन में वो ही पाते हैं जो हम दूसरे को देते हैं। मदद के बदले मदद मिलेगी। एक बार हमको सोचना चाहिए कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं। जैसा हम बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे।